इमरजेंसी जितना राजनीति के लिए आसान शब्द लग सकता है, उसको भोगना उतना ही ज्यादा त्रासद रहा, जब 7 दिन के भीतर ही 15,000 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया, जब दिल्ली को चकमक चकमक दिखाने के लिए सैकड़ों लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया हो, जब आबादी पर नियंत्रण के नाम पर 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इमरजेंसी कितनी बुरी थी। एक शख्स की कुर्सी को बचाने के लिए तब एक हफ्ते के भीतर 15,000 लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। कई जगहों पर परिजनों को भी पता नहीं था कि वो गए कहां। इस दौरान दिल्ली को साफ सुथरी बनाने के लिए झुग्गियों में रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। तुर्कमान गेट पर रातों रात तमाम घरों को समतल कर दिया गया था, तो वहीं बहुत सारे लोगों को शहर से दूर भेज दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी ये थी कि इस दौरान चुन चुन कर लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। कहा जाता है कि उस दौरान करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, और ये सारे संविधान विरोधी काम संविधान की दुहाई देकर ही किए गए। तब व्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर संविधान में बदलाव किए गए। आपातकाल के पहले हफ्ते में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को खत्म कर दिया गया, यानी कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी समाप्त हो गई। उसी तरह गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों पर रोक लगा दी गई। अभिव्यक्ति का अधिकार देने वाला संविधान का अनुच्छेद 19 भी जनवरी 1976 में निलंबित कर दिया गया। इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोशिश की गई कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी अपराध को लेकर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस संशोधन को राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं हो पाया। 5 दशक में देश कहां से कहां चला गया, लेकिन इमरजेंसी की निर्मम यादें आज भी ताजा हैं। आज जब कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते हैं, तो बीजेपी उन्हें कटघरे में खड़ा करने लगती है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, ये शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, अपनी चुनी हुई सरकार। इमरजेंसी की वो काली रात बड़ी डरावनी थी। उसमें न सिर्फ संविधान से मिले हुए आम लोगों के अधिकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका में भी खतरनाक बदलाव किए गए। रासुका में बदलाव करके 1 साल से ज्यादा समय तक बंदी बनाने का प्रावधान रखा गया। साथ ही नजरबंदी की सजा काट रहे लोगों को इसका कारण जानने का अधिकार खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि उसमें बदलाव करके नजरबंदियों को कोर्ट में अपील करने के अधिकार को भी छीन लिया गया। बाद में ये नियम तय कर दिया गया कि नजरबंदी के कारणों की जानकारी कोर्ट या किसी को भी देना अपराध होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के 30 साल के अंदर ही कैसे लोकतंत्र के पांव उखाड़ने के प्रयास होने लगे थे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है,
लेकिन इस चौथे खंबे पर भी इमरजेंसी का बुलडोजर चल गया था। अखबारों में क्या छपेगा या क्या नहीं छपेगा, इसके लिए सेंसर लगा दिया गया। समाचार एजेंसियों पर भी लगाम लगाई जाने लगी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मीडिया हाउसों में बिजली सप्लाई रोक दी गई। यहां तक कि कई अखबारों के संपादकों को जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसी तरह आपातकाल के दौरान आई फिल्म किस्सा कुर्सी का को जबरन बर्बाद करने की कोशिश हुई तो फिल्म आंधी पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि उस फिल्म की प्रमुख किरदार का हुलिया इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। इसी तरह गायक किशोर कुमार के गीतों को ऑल इंडिया रेडियो पर बजाने की मनाही हो गई। 50 साल पहले जिस तरह से इमरजेंसी लागू किया गया था उसको याद दिला रही है कांग्रेस के द्वारा। उनको मनाने दो, मैंने बोल दिया है। एक दलित मेंबर को भी उनको प्रोटेम स्पीकर के द्वारा 2 दिन का अपॉर्चुनिटी भी डिनाई किया है, वही दिवस वो मना रहा है। अभी पिछले 10 साल से इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है, या डेमोक्रेसी के ऊपर या मीडिया के ऊपर। किसी भी जगह में डेमोक्रेटिकली कोई स्पेस होता ही नहीं है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। 19-19 महीना जेल काटे, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया और निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की हत्या थी, काला दिवस था। और भारतीय जनता पार्टी यादगार में 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। दमन की शक्तियों के दुरुपयोग ने मजदूरों और गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण किया और ये सब अनुशासन पर्व के नाम पर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।